तो गाइस देख सकते हो ये छत का नजारा है कुछ ऐसा। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप सब। उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं बना रही थी करेले, और मतलब कि पूरा मसाला तैयार हो गया था, करेले भी डाल दिए हैं। खट्टा करने के लिए कुछ था नहीं, मैंने नींबू डाल दिया, नींबू के सभी बीज निकाल दिए थे, एक दो बीज रह गए थे तो वो मैंने बाद में निकाल दिए थे करछी से। और जैसे कि मैं वहाँ मथुरा में, तो मैं हींग मतलब कि जो कच्चा आम होता है उसे काट करके डब्बे में भर के रख लेती हूँ, तो वो अच्छे से मतलब। और यहाँ मैंने करेले बनाए थे, तो करेले बना करके रख दिए हैं, मतलब कि दूसरी गैस पर रख दिए हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दिए चावल, क्योंकि आज का हमें चावल बनाने हैं। मैंने Oh,
तो मैंने चावल रख दिया बनाने के लिए, और उसके बाद में मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। पोछा वगैरह निकालने के बाद मैं और बर्तन साफ़ कर दूँगी। और दूध वगैरह थोड़ा लेट आएगा, तो इस वजह से दूध जो है ना मैं लेट आएगा जब भी गर्म करने के लिए रखूँगी, जब दूध आ जाएगा। पूजा का टाइम अभी हुआ नहीं है, जब थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा, मतलब 7 बजे के आसपास मैं पूजा करती हूँ। और जब पूजा का टाइम हो जाएगा, जब मैं पूजा करूँगी, अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ। और यही मतलब मेरा पूरा सामान पैक हो गया है, क्योंकि सुबह जाना है, इस वजह से पूरा सामान पैक हो गया है। दूध आ गया है और दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने के लिए, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, पूरा काम मेरा हो गया है, काम से फ्री हो गई हूँ मैं। राधे राधे, जैसे कृष्णा, कैसे आप सब? शतर ग्रोह में आप सभी का स्वागत है। और मेरी चाची सांस लेकर के आई थी अमरूद मेरे लिए पेट के टूटे हुए। चलिए मैं एक अमरूद ले लेती हूँ और हम चलते हैं छत पर चलते हैं थोड़ी देर। काम से फ्री हुई, काम हो गया, चावल बनाया। हाँ, कहाँ रखा है? नीचे रखा, नीचे सामने जो कमरा है इससे इधर। अच्छा, ला रही हूँ। देना मम्मी, कहाँ रखा है फ्लास्क? भैया लो, मैं जा रही हूँ। चलते हैं ऊपर, लास्ट भी देना है, थोड़ी देर बैठ भी जाऊंगी। हेलो, आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है आज, चलो तो थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। देखिए अजवाइन का पौधे से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं लेकर के आई थी अमरूद, जो मेरी चाची सास ने लेकर के आई थी मेरे लिए, रुद्र गया सुबह। रुद्र ने जो वीडियो बनाई थी उस वाली छत से बनाई थी, यहाँ टंकी रखी हुई है उस वजह से। आज गर्मी बहुत हो रही है और सभी काम से फ्री हो गई हूँ मैं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मैं बैठूँगी यहाँ थोड़ी देर, जो हवा लगे मुझे, जी बैठूँगी थोड़ी देर। आज मैंने बनाए हैं करेले, करेले बनाए हैं मम्मी जी के लिए। सिर्फ 2 रोटी बनाऊँगी, और क्योंकि हम सब तो चावल खाएंगे, वो थोड़े से चावल ले लेंगी, और क्योंकि चावल वो पैरों के दर्द की वजह से कम खाती हैं, पर मैंने बनाए हैं तो मैंने बोल दिया था थोड़े से ले लेना आप, तो वो थोड़े से चावल लेंगे और उनके लिए 1 या 2 रोटी जो भी खाएंगी वो बना देंगे। आज मैंने मुँह धुल के कुछ भी नहीं लगाया, गर्मी बहुत हो रही है, पता ही नहीं चला, सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगा पाई है यार, बहुत ज़्यादा हो रही है। अंश गोलू है क्या उधर? अच्छा, गर्मी बहुत हो रही है सच में, पसीने आ रहे हैं। आज हवा वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए, इससे क्या करोगे? अच्छा, अमरूद मीठा है, चाची लेकर के आई है। छत से दूर रहना, खड़े तो हो तीनों के तीनों। और चावल मैंने बता दिए, चावल बनाए, करेले बनाया, बस थोड़ी देर ऊपर आ गई थी और नीचे जाऊंगी जब बच्चों को सबको जब खाएंगे जब डाल करके दे दूंगी। दूध गर्म करने के लिए रख आई हूँ, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, झाड़ू पोछा कर दिया है, सब काम से फ्री हुई हूँ।
और अभी मेरा थोड़ा बहुत सामान रह गया है रखने के लिए, और बाकी का मतलब कपड़े वगैरह सब रख दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान है बस वो थोड़ा रखना है सही से। और आज वैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल जाऊंगी, पर आज नहीं जा पाई हूँ, इसलिए मैं कल सुबह 5 या 6 बजे तक हम निकल जाएंगे सुबह, तो इस वजह से आज नहीं जा पाई थी मैं, क्योंकि जिनकी गाड़ी हमने बुकिंग की थी वो यहाँ नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, मदर महाराष्ट्र वगैरह गए हुए थे वो भी, इस वजह से। तो हम कल सुबह निकलेंगे, 5 या 6 बजे तक निकल जाएंगे। सभी काम से फ्री हो गई हूँ, मम्मी के मतलब पर्दे वगैरह सब, कपड़े वगैरह सब धुल दिए, पूरा टोटल काम कर दिया, साफ़ सफाई भी कर दिया, क्योंकि घर में जब परेशानी थी और गेस्ट वगैरह आई थी तो गंदा तो हो जाता है पर्दे वगैरह बेडशीट में, तो सबको सोफे के कवर वगैरह सबको धुल दिए थे, और सभी काम से फ्री हो गई। अमरूद मीठा है, मेरी चाची सास लेकर के आई थी, उन्हें पता है मुझे अमरूद पसंद है, मम्मी नीचे हैं, ये ऊपर आए हैं, नीचे काम करती रहती हूँ ना, पसीने बहुत आ जाते हैं इस वजह से। बच्चे अंश, गोलू, रुद्र ऊपर हैं छत पे, बाबू नीचे हैं अपनी अम्मा के पास, मैं भी बस अब नीचे जाऊंगी, पूजा का टाइम हो गया है, दीपक वगैरह जलाऊंगी शाम का। आज ज़्यादा बातें मतलब जाकर ज़्यादा भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और ना ही ज़्यादा ब्लॉग बना पाई हूँ, मतलब ना वीडियो बना पाई हूँ, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब बैठी हूँ ना, अब हवा लग रही है, अब लग रहा है, जब नीचे से गर्मी में आई थी ना पसीनों से, तो मुझे लगने लगा हवा, गर्मी लग रही थी बहुत ही, अब बैठी हूँ तब मुझे लग गया हवा चलती है हल्की हल्की। पूजा का टाइम हो गया है, तो चलिए यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद में जो मेरा ब्लॉग आएगा वो मथुरा का आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मथुरा जाकर के ही मतलब एंड होगा उसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।